आज 15 जून है और एक बार फिर कैची धाम में वही हुआ जिसका इंतजार था। नीम करौली बाबा के भक्त एक बार फिर हजारों की संख्या में यहाँ उमड़े। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मुख्य मार्ग में और जो कैची का मुख्य मार्ग है वहाँ पर है और लगातार जो भीड़ है सुबह से ही इसी तरीके की देखी गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ सेवा दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे राज्यों से आए। आइए बात करते हैं भाई साहब, किस तरीके से रहा आज आपका दिन और कितना बड़ा पर्व है ये? पर्व तो बहुत ही बड़ा है, महाराज जी का है। यहाँ पे हर टाइम पे इतनी भीड़ है, देखिए आप संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बहुत सारे लोग अंदर भी लगे हैं जो सेवा दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा खुशी भी मिलती है जब भी आप यहाँ पे सेवा देने आते हैं। जैसे मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है माहौल। अंकल आप किधर से आए हैं और किस तरीके से देखते हैं इस पर्व? रुद्रपुर से आए। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बाबा की कृपा है जी। और मैं तो कहूँ सब पे बाबा की कृपा बनी रहे जी। जिस तरीके से आपने सुना यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, सभी का कहना यही है कि बाबा की कृपा बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि पिछले एक महीने से इसकी तैयारी, मेले की तैयारी चल रही थी और हल्द्वानी से बात करें तो रूट को डाइवर्ट किया गया था और भवाली, भीमताल और यहाँ तक कि काठगोदाम से भी शटल सेवा सुचारू की गई थी। और पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम और अन्य टीमें जो प्रशासन ने यहाँ तैनात की है वो मुस्तैद है। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप, मेले का भव्य आयोजन है? भैया मैं आया हूँ नैनीताल से, मैं कल रात से आई हूँ जी, बस अभी फ्री हो रहा है कल रात से, तो अब बस घर की वापसी। तो किस तरीके से देखते हैं बहुत कैची धाम हमारा उत्तराखंड का है, पूरी दुनिया में फेमस है? ये तो शुरुआत से चला आ रहा है पर कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है जी। ये तो अच्छा ही है, यहाँ के लिए ग्रोथ भी अच्छी होगी जी। मेन तो रीज़न यही है। तो जो आज व्यवस्था थी, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था कम रही, मतलब थोड़ा पिछले दिनों से बेहतर रही? थोड़ा तो पर वही है, लोगों को परेशानी भी हुई क्योंकि गाड़ियाँ किसी की काठगोदाम रोक दी गई। मेन चीज़ तो यह है, तो वहाँ से शटल लगी है बट स्टिल कोई अपनी गाड़ी छोड़ना नहीं जाता है, थोड़ी परेशानी रहेगी हर जगह। ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भीड़ थी, भीड़ के बावजूद, गर्मी के बावजूद भीड़ कम नहीं हुई यहाँ कुछ। मैम किस तरीके से देखते हैं आप कैची धाम, आज 15 तारीख को पहुँचे हैं? बहुत अच्छे से, आराम से दर्शन हुए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो मैम कैची धाम पूरे उत्तराखंड में तो फेमस था, अब दुनिया में भी हो रहा है, किस तरीके क्या कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत नॉर्मली सब बहुत अच्छे हैं यहाँ, दर्शन करें आराम से और सुविधा भी बहुत अच्छी। हल्द्वानी से भी कुछ लोग आए हैं, कार सेवा में लगे हैं पिछले कल से, बोल सकते हैं 24 घंटे से। भाई साहब किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया पर्व है और हर साल हम लोग आते हैं मतलब सेवा देने, मतलब 12 तारीख से आ जाते हैं और 15 जून को जो रहता है कि भीड़ जो है 2 लाख से ज़्यादा ऊपर की है और बहुत आनंद आता है। आप लोग भी आइए और योगदान दीजिए, सफाई में अगर आप योगदान देंगे वही सबसे बड़ी सेवा है। किस तरीके से देखते हैं जो व्यवस्था थी प्रशासन की? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए लोगों के और जो उनका रिव्यू था कि ये था कि सब बढ़िया तरीके से चल रहा था, तो ऐसी शांति पूर्वक बनाए रखें। यहाँ मैम कहाँ से आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? मैदान गढ़ी मैरोली से आए हम जी। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हर साल आते हैं या पहली बार आए? मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरी बेटी 2 बार आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मन्नत पूरी होती है यहाँ पे, बड़ा बाबा का आशीर्वाद है जी। दूसरे राज्यों से कृपा बनाए रखना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, सच में सिक्योरिटी वाले बहुत ही अच्छे, हमें पता भी नहीं था, हम पहली बार ही आए, हमें लेके भी आए हैं, पीछे से पैदल चल के आ रहे थे, बहुत हेल्प करी। गर्मी के बावजूद लोगों का काफ़ी उत्साह देखने को मिला और जो दूसरे राज्यों से लोग आए हैं उनका कहना ये था कि इस बार जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त थी, उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई। जहां परेशानी हुई वहां पुलिस और प्रशासन की टीम जो तैनात थी उन्होंने मदद की। हल्द्वानी लाइव.com के लिए पंकज पांडे।